नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर। भाजपा कागज से बने झूठे हवाई जहाज उड़ाती है, अखिलेश का पीएम मोदी पर पलटवार। अखिलेश ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हवाई पट्टी बनाई गई थी, जिस पर आज भी लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे देश की सामरिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने देश और जनता के लिए हमेशा बड़े लक्ष्य के साथ काम किया है, वहीं भाजपा सरकार ने विकास कार्य रोकने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म संबंधी बयान पर शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा जहाज उतरने लायक एक्सप्रेसवे बनाती है और भाजपा जुमलों के कागज से बने। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए विपक्षी गठबंधन INDIA पर हमला बोला था। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विमान उतरने का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये है सपा के सुपर काम की लेटेस्ट सुपर हिट फिल्म। आज ही उड़ते देखिए अपने निकटतम आसमान में सपा के बनाए एक्सप्रेसवे पर सुपरसोनिक की शानदार उड़ान। सपा और भाजपा में यही अंतर है, सपा आपातकाल में देश की रक्षा के लिए हवाई जहाज को उतारने के लिए रनवे जैसी मजबूत सड़क बनाती है और भाजपा चुगनों के कागज से बने झूठे हवाई जहाज उड़ाती है। अखिलेश ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हवाई पट्टी बनाई गई थी, जिस पर आज भी लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे देश के सामरिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने देश और जनता के लिए हमेशा बड़े लक्ष्य के साथ काम किया है, वहीं भाजपा सरकार ने विकास कार्य रोकने का कार्य किया है। नोटबंदी, चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण है। भाजपा की सरकारें योजनाएं बनाते ही भ्रष्टाचार शुरू कर देती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।